नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतरी नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे हरे। उसको ठीक है ठीक है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सनातन गोस्वामी का चरित्र है हाँ? और आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र है। कहती ये छः गोस्वामी, गोस्वामी मतलब होता है गो मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी मतलब होता है कि इंद्रियों को ऊपर में जो राज्य तो करे, इंद्रियां जिसको स्वामी है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति कौन है गोदास, गोदास मतलब हम इंद्रियों की अधीन है। मान अगर बोलता है यहाँ चलना बोले चलो, मान अगर चाहते हैं ये खाने के लिए बोले चलना गोल गप्पे खा कर आएंगे, हाँ टिकिया खा करके आएंगे हैं। हमारे मन जो बोलता है ना हम क्या करते हैं हम उस तरफ में चलते रहते हैं। लेकिन ये गोस्वामी मतलब मन जैसे बोलते हैं वो बेस नहीं करते हैं, शास्त्र जैसे बोलता है हैं, संत जो वाक्यों को बोलते हैं, ठाकुर जी जो वाक्यों को बोलते हैं, गीता भागवत जो वाक्यों को बोलते हैं वो उसको पर ही वो लोग चलते हैं, अपना मन मर्जी नहीं चलते। इसलिए हमारे श्री प्रभुपाद बोलते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो लेकर के अपना मन को सवार पीटो। मतलब क्या है ये मन को समझाओ, मन आज इधर उधर काम में जाना नहीं है, भगवान का भजन करो, उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। इसलिए कहते ये छह गोस्वामी हुए हैं, इसलिए कहते सात गोस्वामी को नहीं लिया है, केवल गोस्वामी हम कहते ना जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ है। ये एक छई गोसाई करी चरण बंदन जाहित विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। अगर कोई इन छह गोस्वामी को चरणों को पूजा करते हैं उनको जीवन में क्या होता है, जितने बाधा विपत्ति भक्ति की सब के सब खत्म हो जाता है। इसलिए हम एक सनातन गोस्वामी की कथा कल तक हम लोगों ने सुना, आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा सुनेंगे। कहते ये सब गोस्वामी लोग कौन हैं, कहते भगवान जब गोलोक वृंदावन से आए कहते न श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम साहब कर। भगवान जब इस जगत में आते हैं वो अपना पूरा परिकरों को लेकर के आते हैं, वो अकेले नहीं आते। जैसे देखना जैसे कहीं ड्रामा हो थिएटर कोई नाटक हो ना, उसमें पहले जिन जिनियों को सिखाए कौन सीता का रोल करेगा, कौन राम का रोल करेगा, कौन लक्ष्मण का रोल करेगा, कौन हनुमान जी का रोल करेगा, उसको ट्रेनिंग देते हैं ना पूरा का पूरा, और ट्रेनिंग दे करके जा करके फिर कोई नाटक करते हैं। उसी तरह जो वो गोलोक वृंदावन से वो उतर करके आते हैं वो सब ट्रेनिंग दिया हुआ, देखो
हम मरते जगत में जाकर के ऐसे ऐसे हम लीला करेंगे, जो लीलाओं को देख करके लोग के अंदर भावना आए, वो लोग भी क्या करें, भगवान की भजन करना शुरू कर दे, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दे। इसलिए वो जो आते हैं वो पूरा का पूरा ट्रेंड होकर ट्रेनिंग हो लेकर के उसी जगत में आते हैं और यहाँ पर लीला करके जीवों को भक्ति की शिक्षा दे करके फिर ये जगत से वो सबके सब जगत से चले जाते हैं। इसलिए आज एक संत का चरित्र श्रवण करेंगे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। कहते ये कृष्ण लीला में कौन थे, तो इसके लिए कहते हैं बोले पूर्वाख्या रस मंजरी के चीत रस मंजरी भानु मत्ताख्या के चीत हुस्ताम नाम भेदता। कहते ये कृष्ण लीला में कहते एक में तो थे वो कहते रसम मंजरी राधा रानी की सेविका जिसका नाम रसम मंजरी है, दूसरे कोई कहते ये रति मंजरी भी है, कोई कहते हैं ये भानुमत्ता ख्या जो भानुमति रूपी एक सखी है कहती ये है। कहते ये तीनों मिलकर के मानो इन्होंने कलयुग में श्री किस रूप में आए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रूप में जगत में आए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रूप में इसी जगत में आए हैं। कहते ये कहते हैं इनकी घर में कितने धन दौलत था, साधा ऊपर बैठ जाओ, वो तो ऊपर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खट खटिया बोल रही। साधारण लोगों का जो धारणा है ना, साधारण लोगों का जो धारणा है ये सब बाबा जी कौन बन जाते हैं, साधु संत कौन बन जाते हैं, बोले जिनके घर में पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं, कोई धंधा है नहीं, पैसा कमा नहीं पाते हैं, और लास्ट में बस साधु संन्यासी बन जाते हैं। कहते ऐसे नहीं, इसलिए जितने महाप्रभु का भक्तों को दर्शन करेंगे ये सबके सब राजा, हम सुन रहे थे ना सनातन गोस्वामी की कथा, ये कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, साधारण पद में नहीं थे। हम तो नौकरी करने के लिए रिश्वत देते हैं, उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत दिया, कितना दिया, बोले 7,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत दिया। हम तो भगवान को दर्शन करने जाते थे, ठाकुर जी उनको दर्शन करने आते, हम ठाकुर जी को रोज भोग लगाते ना घर में, ठाकुर तुमसे कुछ बोलता है, आज नमक ज़्यादा हो गया था, कम हो गया, सब्जी बढ़िया बना, कुछ बोलते हैं ठाकुर जी, लेकिन ये उनको टिकिया खिलाया करते थे बगैर नमक के। ठाकुर उनसे बोलते थे अरे तू सब्जी तो देता है नहीं यार, था नमक तो दे दिया कर, गले के नीचे नहीं उतरता है नमक के बगैर। ठाकुर इनसे बात करते थे, ठाकुर इनसे बात करते थे, ऐसे सब संत हुए। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये कौन थे, राजा की बेटा थे, साधारण घर के बच्चे नहीं, राजा की बेटे, और उन्होंने राजा की राजपद को छोड़ कर उन्होंने वृंदावन में आए, और उन्होंने कैसे उन्होंने अपना गुरुजी की गुरु ग्रहण करने के लिए उन्होंने उनके पायखाना को साफ किया, गुरुजी बोल दिया मैं कभी शिष्य बनाऊंगा नहीं, प्रतिज्ञा किया बोले मैं गुरु बनाऊंगा तो आपके ही बनाऊंगा और किसको बनाऊंगा नहीं, सोचे उनको खुश कैसे करे, बोले किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो कैसे प्रसन्न कर सकते, सेवा से कैसे कर सकता हूँ, सेवा से, जैसे पत्नी दिन भर पति का सेवा करती है, पति की सेवा करती है, सेवा करने पर पत्नी क्या, पति क्या करता है, महीना भर कमाएगा पैसा लेकिन ला कर किसको हाथ में दे देता है, पत्नी को, तुम कहते आता है तुम लोग हाथ में, पत्नी का हाथ दे देता है। अगर पति अगर पैसा मांगे देखो ये खर्चा के लिए सिर्फ पैसा दो, 1,000 कई बार देना पड़ेगा, इतना पैसा क्या करोगे, बोले ये काम, बोले नहीं 100 रुपया 50 रुपये मुझे, 50 रुपये पैसा कमाएगा वो लेकिन इसको 100 रुपया दे तो 1,000 कई बार देना पड़ता है, क्या करोगे, किधर इतना क्यों खर्च करोगे, इतने कम पैसा है सोचा, कारण किया जाए ना, तो कारण है सेवा, पति को विश्वास है ये पैसा कभी इधर उधर कभी नहीं करेगा, पैसा को ये सही सही व्यवहार करेगा, क्योंकि संसार तो कौन चलाती, पत्नी तो संसार चलाती है ना, घर गृहस्थी पत्नी चलाती, पति तो पैसा कमा कर ही दे जाता है, वहाँ पर बिछाने के लिए कुछ ले आ, आपको पीछे देखो पिछले आप ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ सर, पुरुष लोग ऊपर बैठ जाओ। इसलिए कहते हैं वश्य कुर्वन्ति मां भक्त्या
सत पत्नी सत पति व्यथा। उदाहरण देते हैं, जैसे एक सत पत्नी, जैसे अपना पति व्रता धर्म के द्वारा सेवा के द्वारा पति को वो वशीभूत कर लेता है। भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त है मेरे को ऐसे सेवा करते करते वशीभूत कर देते हैं। अभी सोचे उनको खुश कैसे करें सेवा करके, लेकिन उनकी किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं। वो दो तो रोटी मांग कर ले आते हैं, दो रोटी मांग कर लाते हैं और क्या करते हैं, भोजन करते, दिन भर भोजन करते हैं। इसलिए सोचे हम इनको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, प्रसन्न तभी कर सकते हैं केवल हम सेवा को द्वारा ही प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ, सेवा को द्वारा। इसलिए उन्होंने क्या सेवा किया, कोई बड़ी सेवा नहीं की उन्होंने, करते थे किया उनको पायखाना साफ कर दिया, उनकी पायखाना साफ किया गुरु जी की। साफ करके पहले तो जंगल में जाते थे, उस स्थान को साफ कर लेते थे और गुरु जी को ऐसे उन्होंने सेवा करके गुरु जी को उनने संतुष्ट किया है। इसलिए कहते श्री रघुनाथ, साधारण लोगों का यही भावना है, जिसको पास में पैसा नहीं, पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं, वही सब घर बार छोड़ करके साधु संत बन जाते हैं। लेकिन महाप्रभु का भक्तों में दिखाई पड़ता है, सब राजा घर के बेटे, नरोत्तमदास ठाकुर राजा, श्री सनातन गोस्वामी कौन, नवाब का प्राइम मिनिस्टर, रूप गोस्वामी उनकी वित्त मंत्री है, और ये आज जो संतों का चरित्र सुनेंगे, उनकी घर में इतने ऐश्वर्य है। उदाहरण दिया है भले इंद्र के बराबर ऐश्वर्य, इसलिए सात राज्य था, सात गांव था बहुत बड़े बड़े, जिनके ये अधिपति थे हैं, सात गांव के। कहते हैं का वार्षिक आय कितना था उसी समय में, 5.5 साल पहले वार्षिक आय बोले 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया मतलब होता है 7 लाख स्वर्ण मुद्रा है, 5.5 साल पहले ना 7 लाख स्वर्ण मुद्रा जिनकी वार्षिक आय हैं इनकी। और पिता माता दो भाई, एक भाई का तो कोई संतान नहीं है, लेकिन एक भाई का संतान है केवल, ये अकेले हैं, ये अकेले हैं। इसलिए कहते इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य, कहते इनके घर में इनकी पत्नी कैसे थी, बोले स्वर्ग के अप्सरी जैसे थी, स्वर्ग के अप्सरी जैसे सुंदरी थी पत्नी। लेकिन जो चैतन्य जो बातुल के राखी थे पारी, कहते एक बार अगर किसको भगवान की भक्ति में रुचि हो जाए, प्रभु के प्रेम में रुचि हो जाए ना, सारा दुनिया की चीज उसके सामने फीकी लग जाती है। क्योंकि प्रभु की भक्ति में जो आनंद है, प्रभु के भक्ति में जो रस है ना, दुनिया में ये रस कहीं भी नहीं है, दुनिया में कहीं भी ये रस नहीं है जो रस भगवान की भक्ति में। इसलिए शास्त्र ने बताया, कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्मानंद नहे तार एक बिंदु। मतलब है कृष्ण भक्ति में जो आनंद है, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी इसका बूंद के बराबर नहीं कर सकते। ब्रह्मानंद मतलब क्या है, देखो चीज को समझो, प्रभु की भक्ति में कितना आनंद है। जैसे इसी जगत में जितना आनंद है ना, इससे 100 गुण ज्यादा आनंद स्वर्ग में। कितना गुण? 100 गुण। 100 गुण यहाँ से हमें जो आनंद, सभी के मन में थोड़ा बहुत आनंद तो है ही है, दुख तो है संसार में, लेकिन होने पर भी सभी के अंदर में तो आनंद है ना, तभी तो कोई प्राण धारण करते हैं। आनंद नहीं रहेगा तो लास्ट में सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। जगत में आनंद है, लेकिन यहाँ पर जितने आनंद है, स्वर्ग लोक में कितना आनंद है? 100 गुण है। बोले स्वर्ग लोक में जितना आनंद है, उसको मोहलोक में और 100 गुण ज्यादा आनंद है। कहते मोहलोक में जितना आनंद है, उससे और 100 गुण तपोलोक में आनंद है। बोले तपोलोक में जितना आनंद है, उससे 100 गुण सत्य लोक में आनंद है। बोले सत्य लोक में जितना आनंद है, उसको परम ब्रह्मलोक, जो लोग निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं, वहां तो आनंद की कोई सीमा नहीं इतने। और वहां जितना आनंद अगले वैकुंठ में जो आनंद है, कहते तो सब करोड़ों गुण आनंद वैकुंठ में। बोले वैकुंठ में जितना आनंद है, उससे ज्यादा आनंद है अयोध्या में। अयोध्या में जितना आनंद है, उससे ज्यादा द्वारका में। द्वारका में जितना आनंद है, उससे ज्यादा मथुरा में। और जो सर्वोच्च धाम जो भगवान की गोलोक वृंदावन है, जहाँ ठाकुर जी राधा कृष्ण रहते हैं, कहते वहाँ आनंद तक कोई तो हम बोल नहीं सकते। वहाँ जितना आनंद, उदाहरण दिया, अगर ऐसे जो ब्रह्मानंद है जो ब्रह्म लोक ऊपर जो ब्रह्मानंद है, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद को अगर एकत्रित कर दिया जाए, तो प्रभु की जो प्रेमानंद है
उसको एक बूंद के सामने भी बराबर नहीं कर सकते। इतने आनंद प्रभु की भक्ति में, इतना आनंद जो हम सोच नहीं सकते। इसलिए वो इतने बड़े घर के बेटे थे, इतने बड़े घर के ये बेटे थे हैं, लेकिन ये क्या करते थे, लेकिन महाप्रभु का भक्ति में उनको जब रुचि हुई ना, बस उनको और कोई संसार का चीज, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगता ठाकुर का नाम ही अच्छी लगती है, ठाकुर की कथा ही अच्छी लगती है, ठाकुर जी का भजन ही अच्छी लगती है, हैं? इसलिए लेकिन कहते इनके अंदर में भक्ति की भावना कैसे आई, बोले भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। जैसे कि शराब को साथ में बैठा हो, क्या हो, कोई बात में शराब भी पीना शुरू कर दोगे, है शराब पीना शुरू कर दोगे। किसी गंजड़ी को साथ में बैठो, गंजा पीना शुरू कर दोगे। किसी जुआरी को साथ में बैठो, क्या करोगे, दो दिन बाद जुआ खेलना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर किसी भक्तों को साथ में बैठे तो क्या होगा, भक्त बन जाएंगे। अभी जैसे सब लोग गले में कंठी माला तिलक लगा, कैसे भक्तों की संग हुआ है, सरिता दीदी आई है, इसलिए आप लोगों को कथा सुनाया है, भगवान के बारे में कथा सुनाया है, हैं? कथा सुनाया तभी तो हृदय में भावना जगी है ना, हम भी भगवान की भजन करें, भक्ति करें, हमें संसार में शांति सुख मिलेगा, है घर में शांति सुख मिलेगा, तब तो मिला है ना भक्तों की। इसलिए कहते हैं भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। इसलिए यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी ये कृष्ण लीला में रति मंजरी और रसम मंजरी, ये भानुमत्या मंजरी सखी है, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ उन्होंने काम किया है, हैं? जैसे भक्ति मिलेगा कैसे भक्तों का संगम है। कहते एक भक्त थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। क्या नाम था? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर, ये हरिदास ठाकुर कहते उन्होंने एक वेश्या को उद्धार किया। जब हरिदास ठाकुर भजन करते थे, दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, कितना करते थे, 3 लाख। 3 लाख कितना होता है, 16 माला, 16 माला को अगर 4 बार करोगे तो 1 लाख होगा। ऐसे अगर 3 लाख, मतलब दिन रात सोते नहीं थे, कोई आधा घंटा 1 घंटा सो गए तो सो गए, नहीं तो क्या होगा, दिन रात भजन करते थे ना, भजन करते थे। लेकिन अगर एक दिन हमें अगर नींद नहीं आई ना, देखना दिमाग खराब हो जाता है, हो जाता कि नहीं, हाँ, क्योंकि हम बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव है, इसलिए हम आनंद चाहते। लेकिन जब हम सारे अनर्थ से, सारे अपराध से जब हम ऊपर उठ जाएंगे ना, जब इसको ऊपर उठ जाएंगे, फिर तो सोए नहीं सोए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु का प्रेमानंद में वो डूबे रहते हैं, भक्ति आनंद में वो डूबे रहते हैं। इसलिए ये ऐसे भजन करते थे। जब भजन करते थे उसी समय में कहते भक्ति की 3 स्टेजेस हैं, एक साधन और एक भाव और एक प्रेम। कहते अगर सही सही कोई साधन करे भगवान की, सही सही कोई भक्ति करे, साधन करे ना, कहते उसमें 2 गुण है, उसमें 2 गुण है। बोले क्या है, बोले पहला है क्लेशग्नि, दूसरा है शुभदा। मतलब होता है अगर हम सही सही भक्ति करें ना, जितने तुम्हारे दुखों कष्ट है, कोई दुखों कष्ट नहीं रहेगा। लेकिन सही भक्ति दिखाने के लिए भक्ति नहीं करनी, दिखाने के लिए नहीं, अगर कोई सही सही प्रभु की भक्ति करे, कि जितना क्लेश है, जितने दुख है, वो अपनी आप तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उदाहरण दिया, जैसे अभी सूरज उदय हुआ ही नहीं, सूरज उदय होने वाले, सारे अंधकार खत्म हो जाएगा ना, उजला उजला हो गया, अभी सूरज उदय नहीं, अगर सूर्य उदय होगा तो पूरा ही प्रकाश हो जाते हैं। अगर सही सही अगर कोई भक्ति करते हैं, इसका जो पहला स्टेज है क्लेशग्नि। क्लेशग्नि मतलब होता है जितने तुम्हारी दुख कष्ट है, जो प्रारब्ध पहले जो है, जो भोगा नहीं, जो वासना रूप में, सब तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले दूसरा गुण क्या है, शुभदा। शुभदा मतलब होता है सारा दुनिया में तुम्हें सब पूजा करने लग जाएगी, सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगा। बताओ मीरा ने कभी बोले मेरे नाम लो, कोई हनुमान ने प्रचार किया मेरे नाम को, करे मेरे को घर घर में पूजा करो, गणेश जी ने बताया मेरे घर घर में तुम पूजा करो, कोई नहीं। शंकर जी बोले घर घर में मेरी पूजा करो, मैया देवी बोली, क्यों जगत में इतना पूजा हो रही, क्योंकि जितने देवता है सब कृष्ण भक्त है, राम की भक्त और कृष्ण की भक्त। इसलिए भक्त होने का नाते जगत में अपने आप सारा दुनिया में उसकी पूजा हो रही है, भक्ति की लक्षण है। इसलिए जो हरिदास ठाकुर 3-3 लाख हरिनाम करते थे ना, पूरा राज्य में उसकी जय जयकार, जहाँ जाओ उनकी चर्चा, उनकी, अरे इतने बड़े संत, इतने भजन करते हैं, इतने भक्ति करते हैं, सारा दुनिया में उनकी चर्चा। अभी जो राजा था ना, वो परेशान है, कहते दुनिया को खिलाता हूँ मैं, पिलाता हूँ मैं, पालन करता हूँ मैं,
लेकिन बल्कि मेरे पीछे सब चुगली करते हैं, मेरे पीछे चुगली करते हैं, लेकिन ये ढोंग कुछ करता है नहीं। दिन भर के माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये करता नहीं कुछ, दिन भर माला लेकर के हरे कृष्णा करता हो तो कुछ करता नहीं। और देखो सारा दुनिया में घर घर में इसकी चर्चा, घर घर में इसको पूजा। बोले इसको मैं बदनाम करा दूंगा, इसको मैं बदनाम करा दूंगा। बोले कैसे संतों को बदनाम कराएगा? बोले अगर किसी वेश्या के चक्कर में डाल देना है फिर तो इसकी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। उसी समय एक वेश्या थी जिसका नाम था लक्ष्मीरा, बहुत सुंदरी बड़े फेमस वो वेश्या थी। है एक दिन राजा उसको गुप्त रूप में बुलाया, बोले ये काम कर सकते हो? बोले क्या? बोले तेरे झोली रत्न में रत्न से भर दूंगा। बोले बता दो। बोले वो जो बाबा गंगा किनारे में बैठी करके ये हरिनाम करता है हरिदास, उसको अपना प्रेम में फंसा सकते हो? बोले महाराज मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थोड़ी, चुटकी बजाते ही जगत में इसे कौन पुरुष हो जो मेरे रूप को देख कर पागल नहीं हुई, चुटकी बजाते ही उसको मैं चक्कर में डाल दूंगी। बोले फिर देखना तेरी झोली में भर दूंगा फिर। बोले महाराज चिंता मत करो, बोले देखो आज रात को मैं जाऊँगा और मेरे पीछे पीछे कुछ सिपाहियों को गुप्तचर को भेज देना, जब वो मेरे साथ में लिप्त हो जाएगा ना फिर उसी समय रंगे हाथ से इसको पकड़ा देना, बस हो गया काम। ठीक है। अभी रात को हो गई, बड़े सदस करे ठंड बन करके और शरीर में सेंट फेंट लगा लगकर गई उसको साथ पास में। जब गई वो बाबा तो रात भर सोते नहीं, 3 लाख हरिनाम करना पड़ेगा। गंगा किनारे में रहते छोटे से के झोपड़ी और एक तुलसी की पूजा करते, तुलसी की चौरा है और उसको सामने बैठ करके माला लेकर के हरिनाम करते थे बाबा। हाँ रात भर सोते नहीं थे, 3 लाख हरिनाम करना है ना पूरी करना पड़ेगा, 1 लाख करने के लिए 6-7 घंटा लग जाती है, इसलिए 3 लाख हरिनाम रात भर सोते नहीं थे, भजन कर रहे थे बस। ये रात बीच में गई 12 बजे गई जाकर एकांत में बाबा भजन करते हैं। जब वहाँ पर गए देखा वो तो भजन में मस्त है, इतने में वो वेश्या है। बोले बाबा बाबा तू इतने सुंदर हो, नवजवान है और देखने में वो बड़े सुंदर थे। बोले तू नवजवान हो और ये जवानी को ऐसे क्यों बेकार कर रहे हो? हैं हर दिन भर ही हरे कृष्णा करते करते जवानी को बेकार क्यों कर रहे हो? आओ मेरे मेरे को संग प्रदान करो। लेकिन वो वेश्या उसने बोले मेरे को संग दो, लेकिन वो संत हैं, वो संत हैं, वो संत तो अपना भाव से लेते हैं ना, जैसे हम साधु संग अभी जैसे संत संग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कथाई तो सुन रहे ना, भगवान की तो बारे में बताते हैं संत है ना, कितना बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जैसे कहते संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, हर शास्त्र में कहते संतों का संग करो, मतलब क्या उनकी वाणी सुनो, उनकी भजन आदर्श को जीवन में ग्रहण करो, यही ना। लेकिन ये तो गलत भाव से बोली, लेकिन वो उसको दूसरे भाव से लिए। भाई भाई साधु संग मेरे संग चार अच्छी बात है, बोले बेटी बैठ जा यहाँ पर बैठ जाओ, बस मेरा अपना समय पूरी हो जाएगी, अभी मेरी माला जब तक पूरी नहीं होता है ना तब तक मैं कोई काम नहीं करता हूँ, वहाँ पर बैठो मेरे माला पूरी हो जाए फिर तुमको अपना संग प्रदान करूँगा। बस वो बैठ गई बाबा, तो बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रात भर भजन करते रहे, लेकिन वो वेश्या तो तरह तरह का हाव भाव कटाक्ष तरह तरह से उनको अपना प्रेम में वशीभूत करने के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन शास्त्र में कहते हैं कहते भक्ति परेशा अनुभव विरक्ति अन्यत्र, जब हृदय में सचमुच से किसके हृदय में भक्ति हो जाए, सचमुच से किसके हृदय में भक्ति की भावना आ जाए, पर भक्ति भावना होगा तो क्या होगा? भक्ति की भावना आने पर उसको बाद में कहते परेशान कहते परेशान अनुभव। परेशान अनुभव मतलब क्या है? अगर सही सही भक्ति करेंगे ना आपके हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम जागृत होगा,
अगर तुम्हारी भक्ति को प्रति प्रेम जागृत होगा ना, स्वाभाविक रूप में तुम्हारी ये माया के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। उदाहरण दिया, जैसे गुड़, अगर कोई जिंदगी में गुड़ खाया, कोई रसमलाई लड्डी के चमचम रसमलाई नहीं खाए, वो व्यक्ति को पूछो भैया जगत में सबसे बढ़िया मीठा क्या, बोले गुड़ जैसे मीठा दुनिया में कोई है। लेकिन जो रसमलाई लेडी के चमचम खाए, बोले गुड़ कोई मीठा होता है, मैंने रसमलाई खाई नहीं, रसमलाई कितना स्वाद है। इसलिए उसी तरह कहते जो भगवान की जो भक्ति है उसमें जो रस है, उसमें जो आनंद है ना भैया, दुनिया में ऐसे आनंद किसी में है नहीं। वो तो प्रभु की प्रेमानंद में, नामानंद में है, प्रभु के नामानंद में डूबा हुआ है, ठाकुर की प्रेम में डूबा हुआ। ये जो बेसे आती है तरह तरह का हाव भाव कटाक्ष कर रही थी, लेकिन बाबा कुछ भी नहीं कर पाए। और बाबा तो बैठ बैठ कर जोर जोर से वो संग मांग रही थी ना, बोले मैं तो संत हूँ क्या संग दे सकता हूँ, प्रभु का नाम जब करता हूँ उसको प्रभु का नाम ही सुना सकता हूँ। ऐसे करते 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 रात भर उसने बैठी, हाव भाव की, और करते 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 जैसे उजाला हो गया ना, ऐसे उजाला हो गया तो उजाला हो गया तो हो गया, दिन आ गया, प्रभु जी अब किसको मत बुला बैठो। इसलिए उजाला हो गया तो उसने जो हरिदास ठाकुर थे बोले देख तुम इतने कष्ट करके आई हो, अभी तुम्हारी हमने इच्छा को पूरी नहीं कर पाई, हम बड़े दुखी है, हाँ हम बड़े दुखी है, कल आ जाओ जरूर तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी कर दूंगा। अभी सिपाही दूर से आए देख रहे थे कब ये बच्चा के चक्कर में पड़े और रंगे हाथ से पकड़ करके राजा के पास मिले जाए, और दुनिया में इसकी ढिंडरा बिछपा दी, बाबा कितने दुष्ट है, हैं कितने दुष्ट है। लेकिन रात भर बीत गई कुछ हुई नहीं। हरिदास ठाकुर बोले कल आओ जरूर अपना संग प्रदान करूंगा, कोई चिंता मत कर। अब वापस गया राजा, बोले क्या हुआ, बोले थोड़ी सी बाकी रह गई, थोड़ी सी कसर रह गई, कल बस कल सब इच्छा हो जाए पूरी हो जाएगी। दूसरे दिन रात में भी ऐसे आई, जब आई इतने में बाबा बोले तुम बैठ जाओ भाई, अभी मेरे को माला पूरी करने दो, अभी तो माला पूरी नहीं हुई तब तुम्हारी संग प्रदान करूंगा। वो भी बैठ करके दूसरी रात में फिर बैठ करके हरिनाम करते रहे, और जो बेस्या आती हरिनाम सुनते रहे, हरिनाम सुनते रहे। दूसरे दिन भी हाव भाव कटाक्ष तरह तरह से उसने कोशिश की, लेकिन बाबा तो बैठ कर भजन कर रहे थे, हैं भजन कर रहे थे। कहते हरिदास ठाकुर कौन है, कहते पहले जन्म में ब्रह्मा थे। ये कौन थे, ब्रह्मा, और कौन, प्रह्लाद। हाँ प्रह्लाद कितने बड़े भक्त हुआ है, ये ब्रह्मा और प्रह्लाद दोनों मिलकर के ये किस रूप में आए, श्री हरिदास ठाकुर का रूप में आए हैं। इसलिए दूसरे दिन भी ऐसे रात भर उन्होंने भजन किया, दूसरे दिन भी थोड़ी सुने हाव भाव दिखाई, दूसरे दिन ऐसे ही हरिनाम करते करते रात हो गया, रात खत्म हो गया, दिन आ गया। फिर तो बेस्या भाग गई, बोले देखो हरिदास ठाकुर, बोले कोई चिंता मत करो, कल कभी तेरे को मैं वापस नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी सारी इच्छा मैं कल तुम्हारी पूरी कर दूंगा, कल आ जाओ लास्ट दिन। राजा बोले क्या हुआ, बोले महाराज थोड़ी सी कसर रह गई, पूरी हो गई थोड़ी सी कसर, बोले आज ही हमारी इच्छा को पूरी करेगा। जब तीसरे दिन ही आई उसने, दूसरे दिन तक तो हाव भाव तरह तरह से कोशिश की, लेकिन जब तीसरे दिन ही आई ना, कोई इधर उधर कुछ नहीं की, सीधा बैठी बैठ करके बाबा जो हरिनाम कर रहे थे, केवल हरिनाम को सुनते रहे, हरिनाम को सुनते रहे, हरिनाम को सुनते रहे, हाँ करते 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 जब उन्होंने रात खत्म होने का आई ना, वो बेस्या की हृदय परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए शास्त्र कहता है तुलया मल्लब नापी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्या नाम किमुताशिष्य। इसका मतलब है अगर जीवन में एक लव साधु संग हो, एक लव किसको कहते हैं, कहते एक सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का एकमा भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय अगर जीवन में किसी के साधु संग हो जाए, साधु संग की इतने महिमा कहते तात स्वर्ग अब वर्ग सुख करिए तुला एक अंग, ये सकल मिली समान नहीं जो जो लाभ एक लव साधु संग। ये बात को कौन कह रहे हैं, तो लंकिनी कह रहे, लंकिनी। लंकिनी कौन है, लंका को जो रक्षा कर रही थी। हनुमान जब माता सीता जी को पता लगाने के लिए गए, हनुमान सोच रहे थे भाई स्त्रियों से झगड़ा करके क्या लाभ है, अपना काम निकाल लेनी चाहिए,
हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर में घुसना चाह रहे थे। इतने में नजर पड़ी, बोले तू कौन हो, मेरे हाथ में धूल झोंक करके कौन हो, जाना चाह रहे हो। इतने बोले तू कौन हो, बोले मैं लंकिनी, मेरे इच्छा के बगैर अंदर में कोई प्रवेश नहीं कर सकती है। अरे हनुमान जी अपना रूप धारण किया, विशाल रूप है, मारे एक मुक्का, उसकी छक्का छुड़ा दी लंकिनी की मुंह से, खून की उल्टी होने लग गई हैं। लेकिन हनुमान जी संत हैं, देखो संत की मार भी था ना उसमें भी कल्याण है। संत अगर किसको मारे भी हैं, इसलिए किसको थप्पड़ भी मारे ना उसका भी कल्याण है संत की है। इसलिए संत सहज में किसको मारते नहीं, अगर इसको मार दिया तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए मारे एक मुक्का, केवल हनुमान जी के मुक्का खा करके लंकिनी की बुद्धि सुधर गई, उसकी बुद्धि सुधर गई। फिर वो ये जो श्लोक है ना, ये लंकिनी कह रहे हैं, बोले एक तराजू ले लो, एक तराजू ले करके तराजू का एक तरफ में कहते, अभी बता ना मर्त्य जगत से सुख लेकर के जितने सुख ब्रह्म लोक तक जितना सुख है, आनंद को तराजू का एक तरफ में कर दो। लेकिन इस साधु संघ का एक लव, मतलब एक लव कितना कहते हैं, एक सेकंड का ग्यारह भाग। अगर साधु संघ में इतना अगर संघ हो गया, इसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है, इसको सारे आनंद को ये एक लव साधु संघ से बराबर नहीं कर सकते हो। और कहाँ हरिदास ठाकुर, प्रहलाद, इतने बड़े संत है प्रहलाद और श्री ब्रह्मा जी पितामह हैं, अगर इनकी संघ हो कल्याण नहीं होगा। इनके मुंह से कथा सुनते सुनते, इसलिए भगवान कपिल देव कहते, बोले माँ संतों की संग करो, संतों की संग में सतांग प्रसंगात मम बिरज संगीतो, संतों के संग में मेरी जो बड़ी बलवान कथा होती है, अगर कोई सुनेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान की प्रति श्रद्धा होगी, भक्ति होगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल साधु संघ की कृपा से ही, और किसी को द्वारा नहीं, साधु संघ की कृपा से ही होगा। इसलिए उन्होंने साधु संघ किया तो 3 दिन तक हरिनाम सुने, तो 3 दिन की जब खत्म हो गई ना, उसका हृदय परिवर्तन हो गई, वेश्या की एकदम परिवर्तन हो गई, और रो रो कर गए और संतों के चरण में गिर पड़े, गिर करके चरण पकड़ कर रोने लग गए, बोले बाबा मेरे को उद्धार करो, बाबा मेरे को उद्धार करो, हैं मैं बड़े पापी ऐसी हूँ, मेरे को ये रामचंद्र खान जो राजा ने आपको गिराने के लिए लोगों को सामने मेरे को भेजा था, मैं बड़ी पापी ऐसी हूँ, मेरे को उद्धार करो, मेरे की कल्याण करो, हाँ मेरे को अपना हरिनाम दो, मेरे को उद्धार कर दो। जब बोले तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, मेरे को सारी बात पता है, तो कहाँ से क्यों किस लिए आए हो सब मैं जानता हूँ, पहला रात में मैं यहाँ से भाग जाता, लेकिन इस साधु संघ की जगत में महिमा दिखाना था, साधु संघ की कितने महिमा, इसलिए तेरे लिए मैंने 3 दिन अपेक्षा की है, चलो तेरे लिए, तेरे हृदय को परिवर्तन कराने के लिए, संतों की संघ की महिमा को दिखाने के लिए मैं 3 दिन तक रोका इसी कारण से। इसलिए बोले एक काम करो, जाओ तुम जा करके तो वेश्या गिरी करके तुमने जितने पैसा कमाई सारे पैसा को लुटा करके आ जाओ ब्राह्मण को, और तुम एक कपड़ा पहन करके आना, और गंगा में नहा करके मेरे पास में आना। और गंगा में उसने सचमुच उनको वाक्य बुद्ध विश्वास हो गया, गंगा में नहा करके आए तो उन्होंने क्या किया, बस एक माला झोली पकड़ा है, बोले बेटी ये हरिनाम कर, मैं ये घर तेरे को देख, रूम तो झोपड़ी थी और तुलसी की पौधा, बोले यहीं पर तू रह करके ये हरि का नाम जप कर, खाने पीने का कोई चिंता मत कर, कोई चिंता मत करो खाने पीने का, खूब बैठ करके प्रभु का भजन करो, भक्ति करो, हाँ भक्ति करो। और उनको हरिनाम दिया, माला दे कर चले गए। दूसरे दिन हल्ला हो गया, क्या हल्ला हो गया, जो लखे हीरा जो बेस्या थी, विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी जो बेस्या थी, वो तो हरिदास ठाकुर की प्रभाव से सही बेस्या हैल परम महंती, बड़ा बड़ा वैष्णव अवतार दर्शन थे जानती, मतलब वो जो बेस्या थी, इतने बड़े संत बन गए, बड़े बड़े साधु भी उसको दर्शन करने के लिए जाते थे, और उसको पास में खाना पीना कपड़ा लता बोल कर गए थे ना, तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं, यहीं बैठो हरि का नाम जप करो, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। ये सारा दुनिया जब सुने, इतनी बड़ी संतानी बन गई, इतना बड़ा बेस्या सुंदरी थी, सब छोड़ करके हैं भगवान की तुलसी की सेवा करती हैं, परिक्रमा करती हैं, पानी देती हैं, गंगा में स्नान करती हैं और दिन रात भगवान की भजन करती हैं, सारा दुनिया उसको देखने के लिए इतने दान दौलत दिए है ना,
खाएगा क्या सारा दुनिया को, भंडारा करके सब खिलाने लगे हाँ, इसलिए भंडारा करके खिलाने लगे। इसलिए उन्होंने इतने भजन किया, इसलिए जो हरि नाम है ना अगर उसको हम सही सही करेंगे, इसलिए जो भगवान का नाम को चिंतामणि बताया, चिंतामणि मतलब क्या, जो चिंता कर वही मिलती है। इसलिए गुरु हमारे संत लोग है, इसका अगर सही सही भजन करे क्या मिलेगा, बोले भगवत प्राप्ति, संसार का दुख और कष्ट से मुक्त होकर के फिर ठाकुर के चरण में स्थान मिला, जहाँ जाने से तुम्हारी जन्म मृत्यु दुख और कष्ट जरा व्याधि समस्त दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी अगर सही सही करोगे। लेकिन अगर हरिनाम करोगे लेकिन कामना वासना को लेकर के हमें ये चाहिए वो चाहिए तभी ये पूरी कर देती है। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं जैसे इसी जीवन में जगत में जो टाटा बिरला अंबानी कंपनी वाले देखते हो तो उन्होंने ऐसे कौन सा पुण्य किया जो इतने बड़े घर में जन्म हुए, ऐसे क्या किया था, अंबानी को पता नहीं होगा कहाँ पैसा करोड़ अरब रुपया कहाँ पड़ा हुआ है, टाटा बिरला को भी पता नहीं होगा कहाँ कितने पैसा किया गया, बोले उसने ऐसे क्या किया था, कहते जो व्यक्ति ठाकुर का हरि नाम करते हैं ना लेकिन कामना वासना लेकर करते हैं, ठाकुर को पूजा करते हैं कामना वासना लेकर के, कहते ठाकुर का पूजा ये जो हरि नाम ये कभी तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बेकार नहीं जाएगा, ये कुछ ना कुछ तुम्हें देगा, ये कुछ ना कुछ तुमको दे करके जाएगा। नहीं तो इसी जगत इतने बड़े पैसा वाला बना देखे पैसा पैसा मांग रहे हैं ना, क्योंकि जो नाम चिंतामणि, चिंतामणि मतलब जो मांगो वही देगा, अगर भक्ति के बगैर अगर दुनियादारी चीज मांगो वही दुनियादारी चीज तुम्हें दे देगा, संसार की वस्तु तुमको दे देगा, और फिर इतने पैसा जितने पैसा उतना टेंशन है। अंबानी की पत्नी बहुत बड़ी भक्त कृष्ण की, कृष्ण के उनके घर में कृष्ण का मंदिर है, राधा कृष्ण का सोने की मूर्ति है और उनके लिए अलग से सेवा होती है। इसलिए कहते हैं ये भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, जो मांगो वही देगा। लेकिन कहते हैं इधर उधर चीज मत मांगा करो, भगवान की भक्ति सेवा मांगो, क्योंकि भगवान की सेवा भक्ति मिल जाए ना फिर क्या होगा, तुम्हारी जन्म जन्मांतर के जो दुख कष्ट है संपूर्ण खत्म हो जाएगी, फिर तो भगवान चिरकाल के लिए अपना चरण में तुम्हें स्थान दे देंगे, आनंद ही आनंद है, है? आनंद ही आनंद है। इसलिए कहते ये हरिदास ठाकुर ने तो उन्होंने वो वेश्या को उन्होंने उधार किया, राजा जब सुना बोले क्या, मैंने उसको भेजा था हरिदास ठाकुर को अपना चक्कर में फंसाने के लिए, वो खुद फंस गई इतने प्रभावशाली हरिदास ठाकुर भक्तों का। जब उन्होंने उधार करते हुए हरिदास ठाकुर एक बलराम आचार्य थे, उन्होंने बलराम आचार्य घर में हरिदास ठाकुर आए, जब आए इजु रघुनाथ दास गोस्वामी ये वहां पर जाते थे, जा करके हरिदास ठाकुर से कथा सुनते थे, भगवान की उपदेश सुनते थे, सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते ठाकुर की। अभी उन्होंने ठाकुर जी कथा सुनते 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 इसके हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो गया, संसार का प्रति वैराग्य हो गया, हाँ संसार झूठा, संसार में कोई किसी का नहीं, आज है कल है नहीं, और इसी जीवन से ही जीवन प्राप्त करके इसी जीवन में हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी जीवन में प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकते। भगवान बारम्बार ये मानव शरीर नहीं देते, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार हमें ठाकुर जी ये जीवन प्रदान किया, जब उनने सुना ना इनको भी संसार में विरक्ति हो गया, इनको भी संसार में विरक्ति हो गया, भले मैं जीवन पाकर के भगवान की भजन करूंगा, लेकिन दो भाई एक भाई का तो कोई संतान नहीं, एक का ये एक बेटा, अगर और घर में कैसे संपत्ति 7 लाख रुपया जिनकी वार्षिक आय है, फिर अभी संसार हर पिता माता सोचते है ना भविष्य में हमारी संपत्ति को घर मकान को कौन संभालेगा है, लेकिन वो तो बारंबार सब छोड़ छाड़ कर महाप्रभु के पास में चले जाए, पिताजी बारंबार पकड़ करके ले आए। इतने में उनकी जो पत्नी थी ना है, जो पत्नी थी उन्होंने बोले देखो, तब उनको पिताजी को बोलते क्या उसको बारंबार पकड़ कर ले आते हो, एक काम करो उसको शादी करा दो और उसको क्या करो शादी करा दो। तो उन्होंने बहुत बड़े घर के उन्होंने देख सुन करके कहते पत्नी कैसे, बोले अप्सरी जैसे बहुत सुंदरी पत्नी थी, उनने शादी करा दिया, लेकिन शादी करा दिया तब भी इसका मन नहीं लगता, तब भी घर से भाग जाता है। इतने में उसको पिताजी ने कहा क्या कर रहे हो, उसका हाथ प्यार में लोहे की जंजीर से बांध कर घर में पकड़ पटक दो, ये बारम्बार भाग जाता है, पकड़ ला दो जंजीर में बांध दो। तो इतने में उनका पति बोलते हैं बोले पागली, जगत में दो चीज सबसे ज्यादा बंधन का चीज है,
एक है पैसा और एक है स्त्री। एक पैसा, एक है स्त्री, ये दो चीज संसार में सबसे ज्यादा बंधन का चीज है। देना जब शादी से पहले तो इधर तो घूमता है, लेकिन शादी हो जाए तो फिर घूमना पत्नी से पूछकर जाना पड़ेगा कहाँ जा रहे हो, हाँ किस लिए जा रहे हो, हजार कैफियत देना पड़ेगा। घर से निकले तो पत्नी की चिंता करनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ है कि नहीं, है ना, सब कुछ चिंता के विषय हो जाता है उसकी। इसलिए कहते दो चीज जगत में सबसे बंधन है, एक है पैसा है और एक है पत्नी है। कहते ये दो चीज परिपूर्ण रूप में हमारे घर में है, परिपूर्ण रूप में जब ये जीवंत बंधन है, ऐसे जीव इसमें बंध जाते हैं, घर से प्यार भी बाहर नहीं रख सकते हैं। हाँ जब ज्यादा पैसा हो, घर में पत्नी सुंदरी हो, सोचना पड़ता है ना जाने से पहले, बोले जो चीज सबसे ज्यादा बंधन, लेकिन ये जीवंत बंधन जब उसको बांध नहीं सका, ये लोहे की जंजरी जड़ वस्तु तो उनको क्या बांधेगा पागली। बोले चैतन्य जे बातुल तारे के राखी दे पारे, अगर कोई महाप्रभु का प्रेम में पागल हो जगत में से कौन बंधन उसको जो बांध कर रख सकता है। तो पागली हो तू, है तू पागली हो इतने में। लेकिन ये क्या करते हैं, बारंबार भाग जाते हैं, इनको पकड़ पकड़ ले जाते, बार बार भाग जाते पकड़ कर। तो इतने में महाप्रभु बहुत एक अच्छी उपदेश दिया है। महाप्रभु बोले देखो स्थिर है या घरे जाओ ना हो बाकी, बोले स्थिर होकर के अपना घर में जाओ, ऐसे पागलपन को मत करो और भाग जाओ पकड़ कर ले जाए, क्योंकि जैसे एक तरह का हंसी मजाक हो रहा है ना। देखो क्या करो, स्थिर है या घरे जाओ ना हो बातुल, स्थिर होकर घर में जाओ, पागलपन मत करो। धीरे धीरे पाए जीव भव सिंधु कुल, मतलब एक साथ में एक व्यक्ति छलांग नहीं लगा सकता है, है? कोई सोचे नहीं हम भी ऐसे छोड़ छाड़ कर संत बन जाएंगे, नहीं ऐसे हठात कोई छलांग नहीं लगा सकते हैं। बोले धीरे धीरे आस्ते 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 धीरे धीरे भगवान के प्रति जितने प्रेम होगा उतना तुम्हारी संसार की जड़ आसक्ति खत्म होगी, जितना परिमाण में भक्ति होगा उतना परिमाण से संसार से वैराग्य तुम्हारी होगा। इसलिए घर में जाओ, क्या करो घर में जा करके क्या करो, अंतर निष्ठा करो लोकवाज्य व्यवहार। तुम्हारी जो लौकिक व्यवहार तुम्हारी, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये परिवार है, उनको ठीक ठीक से व्यवहार करो। ऐसे नहीं उनका प्रति अनादर कर रहे हो, अरे हम तो संतान भक्त बन गए हमारी कोई चीज नहीं। सबको साथ में बाही की जो व्यवहार है, सबको साथ में जैसे जैसे व्यवहार करनी चाहिए वैसे सबका प्रति यथा जो के सम्मान करो, सभी को आदर जतन करो, सबको व्यवहार करो। हाँ ऐसे करते 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 जब समय आएगा अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीब उधार है, ऐसे करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 संसार से ठाकुर ही तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देंगे। उसके लिए कोई चिंता की बात मत करो, सब चीज को सब सही सही व्यवहार करते रहना है, सही सही सबको साथ में सही व्यवहार करना। देखो अभी जिनकी कथा सुने थे ना सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये तो प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे आपको पता होगा अगर छोटी मोटी किसका फैक्ट्री हो कितना टेंशन, अगर सौ व्यक्ति काम करते कितना टेंशन, पूरा दुनिया की जो दायित्व जिसको सर पर जिसका है जिसका ऊपर अब समझो कितना दायित्व है। तब उन्होंने महाप्रभु के पास में के पत्र लिखे, बोले प्रभु पूरा देश का दायित्व मेरे ऊपर में, और सारे दायित्व को लेकर के अभी भगवान की भजन कैसे करे, भक्ति कैसे करे, है आप कृपा करके बताओ इसका अंदर में हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। तब महाप्रभु के बोले कि श्लोक लिख करके भेज दिया, देखो श्लोक था, उन्होंने उदाहरण देकर जगत का उदाहरण देकर समझाए। बोले उन्होंने बताए जैसे किसी लड़की शादी होने से पहले किसी लड़का से उसको प्रेम हो गया शादी से पहले, लेकिन परिवार वाले क्या करते हैं अपना कुल जाति मर्यादा तक अनुरूप उसको शादी वहीं पर देते हैं अपना कुल के हिसाब से जिस कुल में, लेकिन वो लड़की का जो मन है ना पहले जिसको प्रेम की कर रही थी वो उसका प्रति उसका मन उसको साथ में शादी हो जाए, लेकिन परिवार वाले गांव में और दूसरों को साथ में शादी दिला दिया। जब शादी दिला दिया लेकिन वो लड़की का मन है ना वहाँ लग नहीं रहा है, वो लड़की का मन तो जिसके साथ उसने प्रेम किया उसको साथ में मन लगता है। अभी वो क्या करती है लड़की, ऊपर को दिखाने के लिए खूब संसार का काम कर जितना करनी चाहिए ज्यादा करती है, क्योंकि पति को पता नहीं चले और किसको साथ में हमारी प्रेम है, अगर पति को पता चलेगा क्या करेगा घर से ऐसे निकाल देगा मेरे को। इसलिए वो दिखाने के लिए क्या करती है, वो ऊपर ऊपर जितने करनी चाहिए ज्यादा करती है संसार की,
लेकिन उसका जो मन है ना, कहाँ का मन कहाँ पर थी? मन उसकी और कहीं है। कहते ठीक उसी तरह देखो हमारी प्रेम किसका प्रति? ठाकुर का प्रति। प्रेम हमारी किसको प्रति? ठाकुर का प्रति। लेकिन अभी संसार का एक कर्तव्य है संसार में, इसलिए हम संसार में रहना पड़ रहा है, संसार में हमें रहना पड़ रहा है। पति है, देवर है, जेठ है, सास ससुर है घर में, है ना। इसलिए क्या करती? सबको दिखाने के लिए सबको प्रेम करती है, सबको सेवा करती है, लेकिन जो प्रेम है कहाँ प्रति? ठाकुर का प्रति। ये चीज को उन्होंने उदाहरण दिया, प्रेम किसका प्रति? ठाकुर का प्रति प्रेम। लेकिन संसार में तुम रह रहे हो, संसार का तुम्हारी कर्तव्य है, इसलिए तुम क्या करो? सभी को जथा योग्य सम्मान देकर के, सबको जथा योग्य सम्मान देकर संसार में रहो, लेकिन हृदय का जो प्रेम है ना किसको प्रति रखो? ठाकुर के प्रति रखो। उन्होंने महाप्रभु ने ये एक श्लोक लिख कर ना भेज दिया, ये एक श्लोक लेकर भेज दिया। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अभी ये बारम्बार जाते हैं, पकड़ कर जाते, महाप्रभु उसको ये सब सिखा दिया, स्थिर होकर रहो और भगवान के भजन करो, समय आएगा तो ठाकुर सारी व्यवस्था तुम्हें ठाकुर ही कर लेंगे। लेकिन इतने क्या हुआ, लेकिन ये तो बहुत बड़े घर के, ये तो बहुत बड़े घर के, जमींदार घर के। यहाँ पर कहते हैं कितने लोग उनको रखवाली में कितने लोग करते थे, कहते जब ये बारम्बार भाग जाता था ना, बारम्बार कहते ग्यारह प्रहरी उसको पायखाना करने के लिए जाए उसको पीछे जाए, पेशाब करने के लिए जाए उसको पीछे, भाग नहीं जाए मेरे घर छोड़कर, भाग नहीं जाए, उसको 11 प्रहरी उसको देखभाल करते थे। कहते 5 पाइक, पाइक मतलब होता है जैसे पुलिस जैसे देख पास बड़े मजबूत लोग 5, और 4 इनकी सेवक, क्योंकि राजा घर के बैठे हैं ना, इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य है, इतने बड़े घर के हैं, बहुत बड़े घर के, जिसकी 7 लाख स्वर्ण मुद्रा, जिसकी साल की कमाई 7 लाख स्वर्ण मुद्रा, जिस घर की कमाई हो, अब समझो कितने बड़े घर के ये है। और इनकी हर समय इनके जो 2 ब्राह्मण इनकी रसोई फसोई बनाना काम करना, 2 ब्राह्मण, इतने लोग इसको पीछे लगे हुए थे कि घर छोड़कर भाग नहीं जाए, इतना बड़ा संपत्ति, राज संपत्ति, इसको कौन संभालेगा इस संपत्ति, इस ऐसे ही इनको साथ में लोग ये करते थे। अभी ऐसे करते 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 क्या हुआ, अभी महाप्रभु जब उनको उपदेश दिया ऐसे ऐसे रहा करो, बस उन्होंने वैसे ही रहते थे, वैसे भजन साधन करते थे, वैसे भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन फिर हम कल सुनेंगे, आज हो गया आपका समय भी, आप लोगों के घर का काम है, कल फिर सुनेंगे वो कैसे भगवान के पास में आए और कैसे भक्ति की, इतने भक्ति की ना कि वो राधा कुंडों के बीच में बैठ कर हरिनाम करते थे, धूप में बैठ करके राधा रानी स्वयं अपना उच्च सुंदरी से पीछे खड़े होकर के उनको छाया करते थे, राधा रानी स्वयं पास में शेर आकर पानी पीते थे, लेकिन उनकी हुदहुद नहीं रहता था, इनकी हुदहुद नहीं रहता था, उन्होंने ऐसे भजन की राधा रानी जिनको सर के ऊपर में छाया से कपड़ा टकरे छाया करती थी। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे है ना, सोच भी नहीं सकते उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जिसका नाम विलाप कुसुमांजलि है, विलाप कुसुमांजलि मतलब जैसे ठाकुर के चरण में हम एक एक फूल चढ़ाते हैं ना, उन्होंने एक प्रेम की एक एक फूल, भक्ति की एक एक श्लोकों को एक एक फूल रूप में राधा रानी के चरण में, उन्होंने राधा रानी के चरण में फूल को एक एक श्लोक को एक फूल रूप में अर्पण करते थे और ऐसे भजन करते थे राधा रानी जिनके सर के ऊपर में छाया करके। और खाते थे क्या जानते हो, दिन भर में केवल एक चूल मट्ठा, बस इतना और कुछ नहीं खाते थे, केवल दिन भर एक चूल मट्ठा पीते थे और राधा कुंड में बैठ कर दिन रात रो रो करके राधा जी के चरण में प्रार्थना करते थे और राधा जी की भक्ति करते थे, राधा कृष्ण की भक्ति करते थे हैं। और उन्होंने इतने भजन किया संत ने, इतने भजन की, एक दिन इनको इनको ना शरीर में बुखार आ गया, जब उन्होंने बुखार आ गया शरीर में तो उन्होंने वैद्य को बुलाए, जब वैद्य को बुलाए पहले तो वैद्य आपको नाड़ी देख कर सब बात बता दी, पहले तो वैद्य बहुत केवल आपको नस पकड़ करके सारे बात बता देंगे, तुमने ये किया ये किया, उनको नस को पकड़े, बोले देखो बाबा ने ज्यादा खीर थोड़ा ज्यादा खा लिया, क्या खा लिया? खीर ज्यादा खा लिया। सब लोग सुन करके बोले जिंदगी में खरी खीर का मुंह देखे ही नहीं,
क्योंकि तो एक फूल मठा पीते हैं और दिन रात भजन करते हैं। अब कहते हो खीर खाए, खीर कभी बात नहीं बोले, इनका तो ना सही बता रहे। उनको पूछो, उनको पूछो खीर खाए कि नहीं, बोले अब खीर खाए, बोले खाया, बोले कहाँ से मिला। अब तो एक चूल दोड़ा मठा लेते हो, आपको खीर देने वाले कोई है ही नहीं, खाए कहाँ से। देखो इस संत कितने बड़े, बोले मैंने मन मन में खीर बनाया। कैसे? मन मन में खीर बनाया और मैंने राधा कृष्ण को अर्पण किया। अर्पण करके जब राधा कृष्ण खीर खा लिए, पहले तो कृष्ण खाए, उसके बाद में श्री राधा रानी खाई, उसके बाद वो ललिता विशाखा आदि खीर खाए। देखो नियम है, जैसे हम लोग ना जैसे कोई ठाकुर को भोग लगाते हैं, सबसे पहले कृष्ण को भोग लगाते हैं। है? जब कृष्ण को भोग लगाते हो, देखो कैसे भोग लगाते हो, सुन लो। जैसे दाल भात चावल सब रखते हो, रख करके उसके अंदर में तुलसी पत्ता दे दो, तुलसी पत्ता रख करके एक जो आचमनी पात्र होता है ना, रखनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति आए, हम कैसे क्या करते हैं, अब आओ यहाँ पर बैठो, फिर उसके बाद हाथ धोते हैं, उनके चरण में एक फूल देते हैं, इसकी भावना करते हुए ठाकुर जी आओ बैठो, और एक आचमनी पात्र का पानी लेकर के बोले लो आप हाथ धो लो, हाथ धुला करके और भावना करके ठाकुर के चरण में एक पुष्प दे दो। पुष्प दे करके वो जो दाल भात सब दिया ठाकुर जी को, तुलसी पत्ता दिया है, वो जो आचमन पात्र से पानी लेकर के इदम सैघृत नैवेद्य उपकरणम श्री राधा कृष्णाभ्यनम, मतलब इसमें जो दाल भात घी को साथ में ठाकुर जी आप कृपा करके इसको स्वीकार करो, उसको हम ऐसे पानी डाल देते हैं, डाल करके वो प्रसाद के ऊपर में देख लो, जो गोपाल मंत्र जो लिए हो, ये सीधा हाथ को ऐसे नीचे रखना है, उल्टा हाथ को नीचे ऊपर रखना, उल्टा हाथ को यहाँ पर ऐसे रख ऐसे, और सीधा हाथ को ऐसे नीचे कर करके जैसे गोपाल मंत्र दिया ना आप लोग, जो गोपाल मंत्र दिया है उसको 10 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, उसको 10 बार खाने के ऊपर ऐसे हाथ रख करके उसको 10 बार बोलने से इसी मंत्र से ही ठाकुर जी को भोग लगता है। ठाकुर जी से भोग लगाया, जब भोग लगाया थोड़ी समय रुकनी चाहिए, रुक करके अभी ठाकुर तो भोजन कर लिए, ठाकुर जी भोजन करने के बाद जैसे आए वो जो पंचपात्र है ना आचमनी पात्र, थोड़े पानी लेकर के पास में छोटी सी एक पात्र रखना ठाकुर जी, जैसे हम लोग भोजन करने के बाद हाथ धोते हैं, पर ठाकुर जी अब हाथ धो लो, इसी भाव करके पानी देनी चाहिए। अभी तो ठाकुर जी खा लिए, अभी गुरु जी को देनी चाहिए, इसलिए उसको क्या करो, वो जो आचमनी पात्र में पानी लेकर बोले गुरु जी आप भी प्रसाद पाओ, सब सखियाँ आप भी प्रसाद पाओ, वृंदा देवी पूर्णवासी आप लोग भी प्रसाद पाओ करके ना, वो जो खाने के ऊपर जिसका पूर्ण दीक्षा हो गया है उनको ये मंत्र दिया जाती है, उसके बाद भी गुरु मंत्र जप करते हैं, उसके ऊपर में हाथ में गुरु मंत्र है, फिर बाहर आकर के फिर गुरु गायत्री जप करते हैं, और जो कृष्ण मंत्र पहले जो मिला उसको बाहर में आकर काम गायत्री लगते हैं। आप लोगों को पूरा दीक्षा किसको मिला, अभी कई लोगों को मिल गया, मिला है, इसको बाहर आकर के फिर वो काम गायत्री, ये ये है ना, ये प्रॉपर प्रोसेस है। जो इनकी जो भोजन हो गया 2-4 मिनट रुक करके फिर इनका भी हाथ धोनी चाहिए भावना, गुरुदेव आप भी हाथ धो लो, पूर्णिमा से आप भी, वृंदा सखी सब आप धो लो। इसलिए जैसे पहले ठाकुर भोजन करते हैं, वो ठाकुर को भोजन रखाने के बाद फिर प्रसाद को फिर राधा रानी पाती हैं, राधा रानी प्रसाद पाने के बाद ललिता विशाखा प्रसाद पाती हैं, और लास्ट में वो प्रसाद फिर सखियों के पास में आता है। देखो वो संत कहते हैं हाँ हमने खीर खाई, बोले कैसे, जब कृष्ण प्रसाद पा लिए राधा रानी भी पाई, राधा रानी के पास में सब सखियां भी पाई, और लास्ट में जो खीर बच गया ना वो खीर बहुत बढ़िया बना था। खीर कैसे बना था? बहुत बढ़िया। लेकिन खीर कैसे मन मन में बनाए हैं? अभी तो हम लोग डायरी पे खाते हैं, लेकिन जब भक्ति करते करते हमारी ऐसे ऊंचाई स्थिति आ जाएगा ना, बड़े उच्च स्थिति आ जाएगा, मन मन में भी खाओगे खीर, मन मन में भी खीर वो पूरा का पूरा स्वाद मिलेगा, पूरा का पूरा आनंद मिलेगा, बोले खीर बहुत बढ़िया बना था और मैंने साथ ज्यादा खीर खा लिया मन मन में। हाँ बोले देखो मैंने डॉक्टर का, मैंने देखो मैंने झूठा नहीं बोलूंगा, इसने ज्यादा खीर खा लिए, खीर ज्यादा खा लिए तो उनकी थोड़ा पेट में अजीर्ण हो गया है, ज्यादा खीर खा लिए ना, इसलिए इसलिए उनके हाथ में देख रहा हूँ खीर ज्यादा खा ली इसलिए भूखा, फिर उन्होंने थोड़ी सी दवा दे दिया। इसलिए वो ऐसे मानसिक रूप में ठाकुर जी की ये सेवा पूजा करते थे, ऐसे भक्ति करते थे, इसलिए कैसे उन्होंने भजन किया, कैसे क्या किया, हम कल सुनेंगे इसी कथा। ठीक है, ललिताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राधा विनोद बिहारी जी की जय मितलीला प्रवेश भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की जय मितलीला प्रवेश भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय मितलीला प्रवेश भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय मितलीला प्रवेश भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय मितलीला प्रवेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सब परिकर गौर की जय जय संकीर्तन की जय तुलसीदेव की जय जय गोविंद गोपीनाथ जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय मागत गौर भक्त वृंद की जय गौर भगवान हे हरि हरि बोल जय गुरुदेव की जय।